दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में बात करेंगे। क्यों रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विवाद ये है कि यूक्रेन नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनना चाहता है और रशिया उसे रोकना चाहता है, यानी रशिया इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक ऐसा सैन्य गठबंधन है जो रशिया का दुश्मन माना जाता है और रशिया नहीं चाहता उसका पड़ोसी देश नाटो का सदस्य बन जाए। पहले इसको सिर्फ शीत युद्ध माना जा रहा था, लेकिन रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और इस युद्ध में एक से ज्यादा देश हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, अब इस युद्ध की स्थिति ये है कि इसमें पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तरफ रशिया है, जिसे चीन जैसे देशों ने अपना समर्थन दिया है, और दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसकी मदद अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों का समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, अब सवाल है, रशिया क्यों नहीं चाहता यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो जाए? नाटो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है। अब रशिया के सामने चुनौती ये है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो को ज्वाइन कर चुके हैं और इनमें एस्टोनिया और लतविया जैसे देश भी शामिल हैं, जो एक टाइम पर सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। जो देश पहले रशिया के साथ अलाइंड थे, वो भी अब धीरे धीरे नाटो देशों में शामिल हो रहे हैं। और अब यूक्रेन भी नाटो का मित्र देश बन गया, तो रशिया अपने चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे। और अमेरिका यही चाहता है, अमेरिका चाहता है कि रशिया के आसपास के देश जो एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, उन्हें अमेरिका अपनी तरफ कर ले, ताकि उन देशों का इस्तेमाल वो रशिया पर दबाव बनाने के लिए कर सके। दोस्तों, रशिया की क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने कहा था, रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसा एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाना। इसलिए रशिया नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का सख्त विरोध कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन रशिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। अब बात करते हैं, आखिर क्यों यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, जबकि वो पहले से ही रशिया से अलाइंड रहा है, सोवियत संघ का हिस्सा रहा है, तो फिर वो नाटो में क्यों जाना चाहता है? इसे समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा। वर्ष 1917 से पहले तक रशिया और यूक्रेन रशिया एम्पायर यानी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1917 में रशियन क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन यूक्रेन इसके बाद बस 3 साल ही स्वतंत्र रहा। उसके बाद वर्ष 1920 में ये सोवियत संघ में शामिल हो गया। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी जब सोवियत संघ टूटा, उस वक्त इसमें से 15 देश बने, जिसमें से एक यूक्रेन भी था, यानी असल मायने में यूक्रेन को 1991 में ही असली आज़ादी मिली। यूक्रेन हमेशा से ही इस बात को समझता था कि वो अकेले रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता, और अगर कभी भविष्य में रशिया ने हमला कर दिया तो वो अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वे एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी स्वतंत्रता को हर स्थिति में सुनिश्चित करे और उसे रशिया से भी बचाए रखे, और इस काम के लिए नाटो से अच्छा विकल्प उसके लिए नहीं है। इसलिए उसने पहले यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन किया, वो यूरोपीय देशों में शामिल हो गया और अब नाटो में भी शामिल होना चाहता है, क्योंकि ना तो रशिया के पास बड़ी सेना है और ना ही उसके पास आधुनिक हथियार हैं खुद को बचाने के लिए। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।